हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारा यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं पिक्सआर्ट ट्यूटोरियल से आप फोटो एडिटिंग के बारे में बताने वाले हैं। तो इसके लिए आपको पिक्सआर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने डाउनलोड कर रखा है इसको, मैं सिंपल ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आपको एक फ़ोटो सिलेक्ट करनी है जो आपको एडिटिंग करनी है। तो मैं इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये कहीं फ़ोटो है वो नीचे, मैं दोस्तों ये वाली फ़ोटो सिलेक्ट करूँगा क्योंकि इस एडिटिंग के लिए फ़ोटो बेस्ट रहेगी। तो आपको सिंपल इसको कटआउट कर लेना, यहाँ पे आपको कटआउट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना आपको सिंपल इसे सिलेक्ट करके। फर्स्ट टाइम पे तो आपको इसे नॉर्मली या सिंपली कर दो क्योंकि बाद में इसको आपको फिनिशिंग देनी पड़ती है। तो आप इसे करने के बाद करें, यहाँ थोड़ा लोड लेगा। तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं, अब यहाँ से आपको फिनिशिंग दे देनी है आपको सफाई से बिल्कुल। तो आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको बस ये फिनिशिंग देनी, जो कहीं कहीं रह गया आपको वो पूरा कर देना। तो ये मैं इसे पूरा कर देता हूँ, इसका मैं थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि आपको ये जो फिनिशिंग है ऊपर ज़्यादा ध्यान से करना है, ऊपर बहुत बारीकी से, क्योंकि आपका फेस का ऊपर ही सारा पार्ट दिखेगा, नीचे का तो सारा एडिटिंग में हाइड हो जाएगा। ये मैं यहाँ बालों को कर लेता हूँ। बिल्कुल ध्यान से करते रहिए। बस हो ही गया लगभग, थोड़ा सा रह गया इसे फिनिशिंग दे दूं साइड में से मैं, इसके बाद बस तैयार हो ही गया लगभग। लगभग हो ही चुका है, दोस्तों आपकी सारी मेहनत बस यहीं पे लगती है। इसके बाद की वीडियो तो बहुत इजी है, उसमें टाइम नहीं लगेगा, सारा टाइम यहीं पे लगता है। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है, बस आपको फेस पे एक बार बारीकी से वो कर देना, बारीकी से कर लेना बिल्कुल, ध्यान से इरेज कर देना आपको, और आपको फेस की तरफ ज़्यादा फोकस करना है, यहाँ बिल्कुल बारीकी से काम करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं ग्लासेस पे रह गया थोड़ा सा, तो मैं इसको थोड़ा कर दूँगा कलर, साइज़ थोड़ा छोटा लिया इस, मैं यहाँ सन ग्लासेस को कर दूँगा थोड़ा सा, उसके बाद ये तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स ये तैयार हो चुका है, अब आपको इसे सिंपली सेव कर लेना है।
ये सेव कर लीजिए आप, ये करा डन, ये करा सेव। उसके बाद आपको दोबारा से आपको वो बैकग्राउंड लेना है, पिक्सआर्ट में जाके आपको ऑल फोटोज में जाके आपको बैकग्राउंड पे सिलेक्ट करके वाइट कलर का बैकग्राउंड लेना है आपको। वाइट कलर का बैकग्राउंड लेने के बाद आपको सिंपली जाना है ड्रो में, यहाँ आपको ड्रो का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये रहा, ड्रो में जाना है आपको। ये ड्रो में आके आपको यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करना है, ऐड फोटो पे क्लिक करके फोटो में जाके आप फोटो सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपको यहाँ ओके कर देना है। फिर आपको यहाँ पे साइज थोड़ा देख लेना है, किस हिसाब से आप अपना साइज चेक आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसे। तो मैं इतना करना चाहूँगा कि सारा कुछ बढ़िया से एडिट हो जाए, इतना साइज बहुत रहेगा बस, सही है इतना। उसके बाद आपको यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर ले लेनी है, फिर आपको दोबारा से ऐड फोटो में जाना, फोटो में जाके आपको ये यहाँ पे एक फोटो सिलेक्ट करनी है, ये वाली, ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप यहाँ साइज देख लीजिए कि मैं किस हिसाब से कर रहा हूँ, आप भी उस हिसाब से कर लेना, हो जाएगा। यहाँ इसको थोड़ा ओपेसिटी लो कर देनी है, इसके बाद आपको यहाँ पे साइज देख लेना है। साइज़ का बहुत यहाँ ज़्यादा ध्यान रखना आपको, जब भी आपके फ़ोटो में थोड़ी एडिटिंग अच्छी लगेगी, वरना फ़ोटो ख़राब भी हो सकती है आपकी, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना आपको, साइज़ फ़ोटो के हिसाब से करें आप। तो यहाँ पे मैं इस हिसाब से करूँगा, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये अब फिट नहीं बैठ रहा है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ बस। इतना बहुत रहेगा, यहाँ मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता हूँ क्योंकि पिक ढंग से नहीं बैठी है, मैं आपको करके दिखाता हूँ बस। ये हो गई, यहाँ दोस्तों मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया है, कोई बात नहीं है, आप यहाँ चाहे तो स्किप कर सकते हैं वीडियो को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये हो गया साइज, अब इसे ओके कर देना है। यार फिर हिला दे मैंने, कोई नहीं दोस्तों, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ओके करने के बाद आपको सिंपल इरेज में जाना है, सॉरी इससे पहले आपको लाइटन पे जाना है, यहाँ पे आपको ओपेसिटी बढ़ा के आपको लाइटन में जाना है। उसके बाद आपको इरेज कर देना है, यहाँ से साइज थोड़ा छोटा ले लीजिए, उसके बाद आपको सिंपल यहाँ इरेज कर देना है, सारा इरेज कर दीजिए फेस के पास। तो जैसे देख रहे हैं आपकी फ़ोटो लगभग तैयार हो चुकी है, लगभग यह पूरी तरह तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद दोस्तों आप इसे सिंपली यहाँ से जाके, अब कुछ नहीं रह गया इसमें, अब आपको सिंपल यहाँ जाना है, थ्री डॉट्स दिख रहा है आपको, वहाँ पर क्लिक कर देना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, सेव इमेज, ओके कर दीजिए, ये आपकी इसे हो चुकी है सेव। तो फ्रेंड्स फोटो आपकी तैयार हो गई, एक बार हम इसे फाइनली देख लेते हैं, ये रही हमारी पिक जो हमने एडिट करी। अब इसके बाद आप चाहे तो आप इस किसी से भी एडिट कर सकते हैं, फ़ोन से भी, आप चाहे तो इसे लाइट रूम से भी एडिट करते, ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको। लाइट रूम से एडिट करने के लिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। ओके तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।